आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक। कल आपको छोड़ा था इम्प्लांटेशन पर, आज का टॉपिक है जीस्टेशन। जीस्टेशन के अंदर क्या होता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलपमेंट होता है, 9 मंथ का जो टाइम लेता है, 9 मंथ के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिस्टेशन। 9 मंथ्स के टाइम में जो फीटस का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस्टेशन। ठीक है, एंड देन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के अंदर होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। द डिलीवरी ऑफ बेबी, दिस प्रोसेस कॉल्ड पार्चुरेशन। ये तो था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन था चैप्टर से कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी प्रोसेसेस वगैरह होती है, जीस्टेशन हुआ, प्लांटेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर एंड पार्चुरेशन, सब कुछ कम्प्लीट हुआ। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के बारे में। तो इसका मेन ऑर्गन क्या होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। इसको बोलते हैं गोनाड्स। वन पेयर ऑफ टेस्टिस जिसको बोलते हैं गोनाड्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, फिर ग्लैंड्स, फिर लेते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स का एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है, कि जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स के अंदर एक 200 to 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में बाद में बताएंगे, पहले एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सही यूजफुल। एक्सेसरी डक्ट्स में था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसके अंदर 4 पार्ट है, फर्स्ट रूटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस,